तो गाइस पिछले लेक्चर में हमने इस पेज के अंदर कलर ऐड करना सीखा था। ये जो हमारे पास ये एक पेज है, तो इस लेक्चर में हम टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे, टेक्स्ट किस तरह फोटोशॉप लिख सकते हैं। तो सिंपली आपने ये लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि इसमें टूल्स बने हुए हैं फोटोशॉप के। तो आपने ये टी टी लिखा है, इसका मतलब है टेक्स्ट। तो आपने इस पर क्लिक करना है राइट माउस के बटन से, और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैं इस टेक्स्ट का साइज़ कम करके, ये ऊपर टॉप में आपको टेक्स्ट का साइज़ भी शो हो रहा होगा कितना कम करना चाहते हैं, तो मैं इसका रख लेता हूँ हाँ टेक्स्ट साइज़ 30, मैंने 30 कर दिया। अब मैं इसमें टेक्स्ट लिखना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ टेक्स्ट का, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज कर लूँ, ये कलर टेक्स्ट का तो ये भी तकरीबन ब्लू ही है, तो मैं इसका, और मेरे पास जो ये जो पेज है ये भी ब्लू है, तो इसलिए मुझे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, तो मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करके मैं रख लेता हूँ, मैं ब्लैक रख लेता हूँ, और मैं इसे ओके कर दिया। अब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ अपना, मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। तो अब मैंने जो टेक्स्ट लिख दिया, आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में बहुत हो गया। तो आपने सिंपली ये जो मूव टूल है ये बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसे लेफ़्ट माउस के बटन से क्लिक करने के बाद आपने इसे मिड में ले आना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है ये बहुत कम है, छोटा है, तो मैं इसका बड़ा करना चाहता हूँ। तो आपने सिंपली लेफ़्ट माउस के बटन से क्लिक करना है डबल। तो डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक लाइन शो हो रही है खड़ी सी, ये माई नेम ने माई के दरमियान पे देखें ऊपर एरो बन गया, और इस तरफ आके ये एडिट के समझ लें कि निशान बन गया। तो आपने सिंपली क्या करना है कि अपना जो लेफ़्ट माउस बटन से इसे जो माई नेम नुमान मुस्तफ़ा है इसे फुल आपने ऐसे क्लिक कर देना है, यानी ड्रैग कर देना, इकट्ठा कर देना। इसके बाद आपने ऐसे करना है कि ये जो ये लिखा हुआ है टॉप पे टी टी यानी कि टेक्स है, तो इसका साइज़ के बारे में बता रहे हैं कि साइज़ बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है और इसका साइज़ कर देना है आपने। मैं कर देता हूँ इसका फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ कर देता हूँ 48। 48 सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये इतना बन गया, अब ये मुझे थोड़ा बेस्ट लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि कलर है वो भरना चाहता हूँ, सिंपली आपने फिर आप माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करना है डबल। तो यहाँ पे ऊपर ये टॉप में आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, ये असल में मेरे टेक्स्ट का कलर है। तो यहाँ से आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें मैंने ग्रीन कलर पर सेलेक्ट किया। अब ये जो आपको मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप गाढ़ा रंग करना चाहते हैं, हल्का रंग रखना चाहते हैं, तो ये हल्का हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा गाढ़ा करना चाहता हूँ, मैं मज़ीद गाढ़ा कर, यहाँ से आप हल्का गाढ़ा जो भी है कलर भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। तो मैं इसे अब ओके कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि, और साथ ही आपने टॉप पे पर एक टिक का निशान है, इस पर क्लिक कर देना, तो ये आपका कलर हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो माई है इसका रंग चेंज हो, नैम का रंग कलर चेंज हो, और नुमा जो नुमान लिखा हुआ है टेक्स्ट भी कलर चेंज हो, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट कलर हो। तो सिंपली आपने ये करना है कि डबल क्लिक करना है माउस बटन से, और यहाँ तक मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। अब ये आपको शो हो रहा है टॉप पे ग्रीन कलर्स, मैं इसे यहाँ से कलर्स का मैं यहाँ से चेंज करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख देता हूँ ब्लू, देखें ऑटोमेटिक ब्लू हो गया। इसके अलावा मैं नुमान का कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसका रंग रख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल येलो, मैंने इसका रंग सिर्फ येलो हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एन ओ यू सेम रहे और बाकी तीन जो कलर्स हैं ये चेंज हैं, तो तब भी हो सकता है। ये सिंपली आपने ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ से आप इसका कोई भी रेड रंग रख सकते हैं। तो ये देख लें, इस तरह आप ये अपने टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करना है दोबारा इस पर, ये जो आपका टेक्स्ट लिखा है इस पर लेफ़्ट माउस के बटन से क्लिक करना है दोबारा डबल। तो यहाँ से आपने करना है ना, ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा है एक, ये तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा है रिलेक्सी, जो मैंने टेक्स्ट अप्लाई किया है ये मैं जहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ ये। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट ओपन हो गया है। तो कौन सा आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखना चाहता, पहला मैंने अभी रखा हुआ था ये टेक्स्ट था, पफी टेक्स इस टाइप का आ गया। इधर से आप कोई भी टेक्स कर सकते हैं, और ये कि ये ध्यान रखना है कि जो उर्दू में टेक्स्ट यहाँ पे जमील नूरी नश्ताली लिखा हुआ है,
ये आप करेंगे तो ये उर्दू का है, तो ये अजीब सा है, देखें फॉन्ट वैसे बन तो गया, लिखने तो गया, लेकिन ये है उर्दू का फॉन्ट है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कोई भी कलर का चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया सिंपल बोल्ड रंग है, इसके अलावा ये हो गया, ये भी बोल्ड रंग है, तो मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से पफ़ी, अब सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें पफ़ी टाइप बन गया। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो टेक्स के रिलेटेड था, कि किस तरह आप फोटोशॉप पे टेक्स इंटर कर सकते हैं, उसके अलावा टेक्स के अंदर आप कलर ऐड कर सकते हैं, टेक्स का साइज़ कम बड़ा कर सकते हैं, किस तरह आप इसका टेक्स बड़ा कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ, तो आपको मैं न्यू इसका ट्यूटोरियल सिखाऊंगा।